सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है 14 मार्च और फिलहाल अभी हैं मामी के रूम पे। तो यहाँ पे आज है लेडीज का भाई प्रोग्राम, जो कि दुरदुरिया हमारे यूपी प्रयागराज में बोलते हैं। भाई आप लोगों की सिटी में क्या क्या कहते हैं हमें तो नहीं पता, बट हमारी यूपी प्रयागराज में भाई इसको दुरदुरिया बोलते हैं, जो कि लेडीजों का प्रोग्राम रहता है। फिलहाल अभी इधर हमारी मामी हैं और ये रितु हैं, जो कि आप लोगों ने मेरे मिनी ब्लॉग में देखा होगा। और इधर है हमारी सोनी मौसी हैं, जो कि अभी फिलहाल अभी शिव नहा रहे हैं। बगल रूम में नानी है, पप्पी मौसी हैं और जया दीदी। ये इनको देखिए, ये नहा के निकल चुके हैं, इनकी कलाकारी। तो फिलहाल अभी चल रहे पूजा की सामग्री लेने, जो कि पूजा में लगेगा पान वगैरह। तो फिलहाल ये चलते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। ज्ञान दे रही है माई सोनी मौसी। तो फिलहाल गाइस अभी इधर हमारी जया दीदी आ चुकी हैं। हेलो, जो कि आप लोगों ने आवर चैनल, जो कि आप लोगों ने मेरे पहले मतलब फर्स्ट व्लॉग में आ रही हैं हमारी दीदी। कितनी पागल है, हमेशा पागल है। नहीं बहुत अच्छी है, सही है, बहुत अच्छी है, अच्छी है। कपड़ा निकालते देखा थे, देख सकते हैं हमारी नानी भी झोला से कुछ निकाल रही है। हमारी नानी है, ये बहुत साधारण रहती हैं एकदम। कीर्तन में डूब चुकी हैं भागवत देखते देखते। सो फिलहाल गाइस अभी चल रहे हैं पान लेने, क्योंकि भाई जो पूजा है उसमें पान वगैरह भी लगेगा, तो मीठा पान बनवाना है। और हमारे साथ हमारे चल रहे हैं सोनी मौसी के लड़के ईसु, जो कि हमारे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा क्या, देखा ही है भाई। अभी चलते हैं मीठा पान बनवाते हैं और इनको भी खिलाते हैं। हाँ, खाओगे तुम? हाँ। इनको भी खिलाते हैं, चलते हैं बाकायदा पान वगैरह बनवाते हैं फिलहाल अभी। और भाई धूप क्या ही बताया जाए हमारे प्रयागराज में। भाई कौन उन देख रहे हो इसे खड़ा है? और तुम्हारा तुम्हारा नाम बजरिया है ना, मैं हाँ? जानता हूँ, सभी जानते हैं। तो फिलहाल गाइस ये चौराहे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे पान बनवाते हैं। 14 मतलब लेडीज रहेंगी तो 14 पान बनाया जाएगा। बाकी हमारे तेलेगंज चौराहे का कुछ इस तरह हाल है। और तुम्हारे भाई की ड्रीम बाइक MT15 खड़ी हुई है। अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो एक दिन जरूर लेंगे। बाकी भी 14 पान बनवाते हैं भाई, धूप काफ़ी तगड़ी रही है भाई, काफ़ी तगड़ी वाली धूप है। बाकी इधर पान हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी बना लूँ? नहीं, 18,000। आप देख सकते हैं मीठा पान बनना स्टार्ट हो चुका है। बाकी हमारे अंकल हैं, तेलियागंज चौराहे पे अंकल की दुकान है भैया, काफी जेन्युइन रेट में पान बना रहे हैं 14-8 हमारे। हाँ, नहीं। क्या नहीं। खाना है तुमको? नहीं, नहीं। ये कह रहे हैं हमको भी खाना है पान। शकल देख लो इनकी गाइस, छोटे से हैं, कान खड़े हैं दोनों। जैसा कैसे भी आप लोगों ने देखा कि हमने मीठा पान का ऑर्डर दे दिया, तो हम लोगों का मीठा पान बन रहा है। तभी फिलहाल चलते हैं भाई, जो पान चढ़ाया जाता है पूजा में, तभी चलते हैं वहाँ पे और पूजा वाला पान लेते हैं। कैसे भी हम लोगों ने चढ़ाने वाला पान ले लिया है, अब चलते हैं मीठा वाला पान लेते हैं, उसका डायरेक्ट चलते हैं घर। एंड आप लोगों को दिखाते हैं हमारे घर का पूजा, जो दुरदुरिया का पूजा होता है भाई, उसमें सारी लेडीज रहती हैं भाई, जेंट्स उसमें नॉट अलाउड, ओनली फॉर लेडीज के लिए पूजा होता है जो मैरिड रहती है। चलते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं। अभी फिलहाल भाई मीठा पान भी लेना है। तो फिलहाल गाइस अभी मीठा पान भी लेके चल दे रहे हैं घर। थोड़ा मीठा पान दिखा दो हमारे इधर, ये देख सकते हैं 18 बनवा लिए हैं। ये 14 घर वाले बोले थे, लेकिन इनको भी खाना है। 18 गाइस, 18 मीठा पान बनवा के चल रहे हैं घर अब। और ये चढ़ाने वाला है, सब मैं खाऊंगा। ये खाएंगे, इनकी शकल देख लो, अपनी शकल देख लो, पागल दिख रहे, जा रही कटा। अच्छा, अरे ठीक
अरे यार एक एक से है हां वाकई फोटो है वाह वाह कहन भाई चढ़ के तेरी करेला की तो अरे हम काहे को मस्ती करना मिठाई चाहिए लेकिन 14 ये दो करे तो 14 तो रुक लेके हां आज नहीं जाता है तो फिर तो चिल्ला गया ये कह रहे सामने वाली कह रहे हैं चली गई हां चला जानो इनका कह रही तुम चले गए ड्यूटी में जाके कोड़वा लगा देना रुक लगा दे ऐसा बोलम ना लगा दे 14 लगा दे तो फिलहाल गाइस भी पूजा वगैरह हो चुका है और फिलहाल तुम्हारा भाई बैठ के खा रहा है खाना खाने में ये पनीर कचौड़ी सब्जी चावल और रायता और इधर देख रहे हैं टीवी और साथ में इधर राखी हैं जया दीदी और हमारे प्रांशु भैया जो कि रितु दीदी के भाई हैं आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में कभी देखा नहीं होगा तो भी फिलहाल तुम्हारा ये खाना खा लेता उसके बाद मिलते हैं ठीक है ना अरे मैं फिर भागूंगा हटो आओ पास आओगे ना उतना में सभी खाना पीना हो गया है और दो मौसी चली गई है भाई और ये अभी बचा है हम लोग देख सकते हैं और कमेंट में बताना भाई शेविंग करा लिया हूँ क्लीन शेविंग तो कैसा लग रहा हूँ और मोछ भी थी तो मोछ भी छोटा करा लिया हूँ जो कि हमारे इनका डिमांड था कि मोछ छोटा करा लो इसमें क्या लग रहे हो समझ रहे हो बाबू लग रहे हो तो भाई इनकी डिमांड थी कि मोछ छोटी करा लो तभी गया था मोछ छोटी करा लिया हूँ बाकी दर्शी हुए हैं राखी हैं हमारी भी अभी सोनी मौसी रुकी हुई हैं मम्मी है मेरी रितु दीदी मामी नानी है ये फिलहाल जैसा कि इनका घर ही तो रहेंगे जाहिर सी बात है और यहाँ पे कपड़े की फोल्डिंग हो जा रही है तो भाई कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लग रहा हूँ क्लीन अब नानी हमारी जा रही है कीर्तन करने अभी ये देखिए माला जपने जा रही है भाई जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया था पूजा पाठ में नानी हमारी लीन हो चुकी हैं इतना भागवत देखते हैं भाई इतना भागवत देखते हैं तो भाई अगर इस वाली टीवी में आप होम स्क्रीन में जाएंगे तो आपको केवल भागवत ही दिखेगा कुछ ही दिखेगा नहीं सो गाइस अभी मामी के रूम में तो यहाँ पे एल्बम निकली है जो कि मामी लोग गया गई थी तो शायद आई थिंक ये 2019 की फोटोज हैं जितनी भी है तो आइए आप लोगों को थोड़ी बहुत झलक दिखाती इसमें हमारे पंपोज भाई भी हैं सौरभ भाई हैं शिवम है निखिल है रोली दीदी हैं गौरव भैया सौरभ भैया और तुम्हारा भाई कपिल भी है तो सारी पुरानी फोटोज दिखाता हूँ स्टार्टिंग से दिखाता हूँ गाइस और इधर हमारी नानी है और पंडित जी ये हमारे मामा मामी हैं ये नानी बड़ी वाली मामी और छोटी मामी और इनको देखिए गाइस ये है राखी जो कि अपने चाचा के साथ हैं बचपन की फ़ोटो देख लीजिए इनकी आप सो गाइस ये देखिए तुम्हारा भाई इधर ये सौरभ भैया ये बड़े वाले मामा ये विवेक मामा ये राखी देख सकते हैं बचपन की फ़ोटो और इधर सब भाइयों के साथ इधर सी हुए बचपन की फ़ोटो ये हैं गौरव भैया ये तुम्हारा भाई है ये बाकी ये सब गौरव भैया के दोस्त हैं ये देखिए कंपोज भाई हमारे एक कंपोज भाई इसमें भी हैं एक शिव की फ़ोटो ये है और ये हमारी मम्मी सोनी मौसी और ये सौरभ भैया की मौसी हैं इसमें है भाई हमारी सबसे बड़ी वाली मौसी ये मामी जैसे जानते ही हैं राखी गौरव भैया और तुम्हारा भाई देख सकते हो एकदम क्या ही एकदम हैंडसम लग रहा था भाई तुम्हारा भाई बचपन में बाल वाल देख सकते हो एकदम क्या स्टाइल में रखा था भाई सो गाइस ये हैं युग शिव का छोटा वाला भाई ये शिव और ये रोली दीदी जिनकी शादी हो चुकी है भाई अब और इनकी बहन ये बैठी हुई है दांत दिखा रही है देख कोलगेट का प्रचार कर रही है तुम्हारा भाई कपिल ये पंपोज भाई हमारे देख सकते एकदम क्या ही बताया जाए भाई ये हमारा भाई कपिल पंपोज भाई और ये हर्ष भाई हमारे ये मामा मामी ये मामा मामी और ये और ये देखो तुम्हारा भाई इतने समय कैशियर बना था देख सकते हैं ये पैसा दे रहा था मैं मामा को और ये मामा मामी की फ़ोटो तो हलवाई और इधर हमारे निखिल भाई और इसमें आप लोगों को भाई पहचानवाता हूँ इधर हमारे पांडे जी हैं ये हर्ष ये शिवम और ये सौरभ भाई हमारे
बचपन की फोटो। जितना था भाई मैंने आप लोगों को दिखाया, मेरी मेन जितनी फ़ोटो थी भाई मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। ये सारी फ़ोटोज आई थिंक 4 या 5 साल पुरानी हैं। तो अभी तक फ़िलहाल भाई बच चुके हैं शाम के 7:30, खाना पीना खाते हैं एंड देखते हैं आगे का क्या कैसा सीन रहता है। तो फिलहाल जैसे खाना पीना हो चुका है तो अभी चलते हैं, वीडियोज़ भी एडिट करनी है भाई काफ़ी सारी हैं, और जो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ भाई उसको भी एडिट करनी है। तो भाई एक ही फ़ोन है, इसी फ़ोन से शूट करना, इसी फ़ोन से भाई एडिट करना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक में शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।